सरना झंडा विवाद को लेकर पाहन महासंघ के हलदर चंदन पाहन ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य में सामाजिक ताकत बढ़ गई है और आदिवासी समाज पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। जहां एक ओर उनकी जल जंगल जमीन छीनी जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी धर्म संस्कृति परंपरा पर प्रहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार सरहुल पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों ने सरना झंडे का अपमान कर राज्य में अशांति का माहौल कायम कर दिया था और अब इस घटनाकांड से बचने के लिए माफिया गिरोह का सरगना सुजीत उराव इसे जमीन विवाद मामला बताकर आदिवासियों का आपस में लड़ाने का काम किया कर रहा है और वह एक पेशावर भूमाफिया है। आज के आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल पर्व और इसी दौरान ये घटना घटी थी। लोअर करम टोली के पास कुछ असामाजिक तत्व और सुजीत उराव के गिरोह ने है कि इस तरह का कांड किया था और जिसे लेकर है कि उन लोगों के ऊपर FIR भी की जा चुकी है। और इस तरह की घटना है कि पूरे झारखंड के तमाम जगहों पर हुई थी, इस चलते पूरा समाज आक्रोशित था और उसी को लेकर है कि पाहन महासभा ने एक बैठक बुलाकर है कि दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने की वजह से झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। लेकिन अब देखा जा रहा है इस पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर है कि लीपापोती की जा रही है और अपराधियों को बचाने का और बचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह पूरी तरह से जमीन विवाद का मामला है और इसमें तमाम तरह के है कि कागजात दिखाए जा रहे हैं उनके तरफ से। तो मैं बताना चाहता हूं कि भले ये जमीन विवाद का मामला रहा हो, लेकिन सभी जगहों पर है कि जमीन विवाद का मामला नहीं हो सकता। घटना एक जगह की नहीं थी, ये कई जगहों की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों को है कि संरक्षण दिया जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है। यहाँ पर जिन जमीनों की बात अपराधियों के द्वारा की जा रही है, मेरे पास आप देख सकते हैं बहुत सारे कागजात हैं, जिसमें मेरे पास कुछ खतियान वगैरह हैं उस जमीन से संबंधित। और ये वकास्त मुंडे भुयरी जमीन है, जिसमें मेरे परदादा छोटका महादेव मुंडा का नाम अंकित है। साथ ही जो विवाद था उस पर है कि मेरे पिता ने, क्योंकि ये मामला जो है कोई 2006-07 से नहीं चल रहा है, मामला 60 वर्षों का है, 1963 से ये केस चला आ रहा है और जिसकी ये कॉपी है 40 साल पुरानी कॉपी है। मैं इसका ओरिजिनल भी दिखा सकता हूँ। ये झंडा का मामला है और ये आंदोलन भी झंडा का ही था, लेकिन जानबूझकर है कि जमीन का मामला बताया जा रहा है और जमीन के सारे कागजात आप देख सकते हैं मेरे पास हैं और सारे आदेश भी मेरे पक्ष में है, जमीन मेरी है, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर ये बचने का प्रयास किया जा रहा है। और जो भी इन लोगों ने इकरारनामा दिखलाया या एग्रीमेंट दिखलाया सारे झूठे हैं और इन लोगों ने बाजार से जितने भी पैसे उठाए हैं उन पर दबाव है, इस चलते इस तरह का है कि इन लोग खेल रच रहे हैं। कि राजेंद्र महतो उर्फ राजेंद्र यादव और मेरे पिता मंगरा मुंडा के बीच ये विवाद चल रहा था पटना उच्च न्यायालय। तो इन तमाम केस मुकदमों के बाद आप देखेंगे कि ये सिविल कोर्ट का ऑर्डर है जो हम लोगों के पक्ष में रहा। साथ ही आप देखेंगे ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें कुछ डायरेक्शन भी दिए हुए हैं और ये हमारे दखल दहानी का आदेश है। तो ये तमाम चीज़ें बतलाती हैं कि इस जमीन का मामला क्या है। अगर दूसरी तरफ मैं दिखलाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन कागजातों को या मुख्तारनामा को दिखाया जा रहा है, ये बतलाया जा रहा है और रमेश उराव से एग्रीमेंट की बात की जा रही थी, तो ये रमेश उराव के द्वारा जो भी मुख्तारनामा या इकरारनामा बनाया गया था उसको मेरे पिता ने रद्द करवा दिया है और उसके गिरोह के द्वारा है कि सरना झंडा के साथ छेड़छाड़ किया गया था, अपमानित किया गया था और इसी को लेकर है कि झारखंड में इस तरह का है कि माहौल खराब किया गया था इन लोगों के द्वारा और इन लोगों पर कार्रवाई की जब बात आई तो इन लोगों ने अब सीधे तौर पर इसे जमीन से है कि जोड़कर इसे एक नया रंग रूप देना शुरू कर दिया है।
ये पूर्व पार्षद भी रह चुका है, लेकिन अभी भी वो अपने आप को पार्षद घोषित करता है और लोगों को डराता धमकाता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा है कि जीना खाना पीना हराम कर देंगे, तुम्हारा राशन कार्ड रद्द करवा देंगे, तुम्हारा ये कास्ट इनकम नहीं बनने देंगे, तुम्हारा है कि बहुत सारा टैक्स वगैरह बाकी है उस पर है कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। इस तरह की तमाम तरह की धमकियां देता है। साथ ही अगर जमीन का मामला जहां पर आता है तो भाई भैयाद को आपस में लड़वा देता है। अभी आप देखेंगे इस मामले में पूरे समाज को ये लड़वाने का काम कर रहा है। यहां पर 50,000 से भी ज्यादा पर्चे पहले फेंके गए थे आम जनता को अपील बोल के, और इस पर्चा को फेंकने के बाद यहां पर गैर कानूनी तरीके से जनता की अदालत लगाई जाती है और उस जनता में टोटल एंटी सोशल लोग रहते हैं, उसका जमावड़ा लगा के है कि निर्दोष को पीड़ित को है कि यहाँ पर है कि धमकाने का काम किया जा रहा है। घटना हुई थी उसमें हम सुजीत उराव और उसके जो गिरोह है, सुजीत का जो गिरोह है, इन लोग के खिलाफ हम हाईकोर्ट में केस दर्ज किए हैं, उसमें से इन लोग पर प्रेशर बन रहा है, तो वहीं से वो लोग मेरे खिलाफ जो है उन लोग को मेरे ऊपर ये कर रहे हैं, उन लोग हमको दोषी मान के उन लोग जबरदस्ती हमको फंसाने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और वो फुटेज जो दिख रहा है वो तो आने जाने का हम दिन में कितना बार आना जाना करते हैं, तो दिन भर मेरा फोटो तो दिखेगा ही हाँ। और वहाँ पे हम कभी कभी कचड़े भी फेंकने जाते हैं, काहे कि वहाँ पे फेंकाता है, तो वहाँ पे आने जाने का मतलब ये तो नहीं है कि झंडा हम जलाए हैं। और ये लोग वो फुटेज का सहारा लेकर हमको बदनाम किया जा रहा है पूरे ये सोशल मीडिया में, तो हमको इंसाफ चाहिए झंडा को लेके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।